हेलो दोस्तों, हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में 7.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 12 तक हल कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग इस वीडियो में 13 नंबर क्वेश्चन से हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तैयार करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। फिर हम तो देखिए, तो आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है ना, वो दे दिया है कि जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है वो दिया है समाकलन एक्स का स्क्वायर बटा में 2+3x का क्यों और पूरे का होल क्यों। ठीक, हमें इसका करना है समाकलन। ठीक है, तो ये फिर हम इसका करते हैं समाकलन। देखिए, जो नीचे वाला है ना, इसको पूरे को टी मान लेंगे, तो माना 2+3x का क्यों बराबर टी। ठीक, और जिसको टी मान लेंगे तो इसका क्या करेंगे, हम अवकलन कर देंगे। ठीक, तो अवकलन करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा 2 का 0, और 3 का 3x क्यों क्या हो जाएगा 3x का घात जो है 3 है, क्या जाएगा आगे आ जाएगा, तो 3 हो गया, रे घात कम हो जाएगा तो 2 बराबर टी का हो जाएगा dt/dx। ठीक, आगे हमारा कर हो जाएगा 9 3 का 9 और x2/dt/dx। ठीक, और यहाँ पर ये देखिए, हमें x2 dx का मान निकालना है ना, तो यहाँ पे dx को इधर कर देंगे और 9 को बराबर के उस पार कर देंगे। ठीक, तो ये करते हैं, फिर dx को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x2 dx/ 9 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 1/9 dt। ठीक, अब तो देखिए, x2 dx का जगह पर क्या लिखेंगे, 1/9 dt लिख देंगे। ठीक है, तो ये फिर लिखते हैं हम x2 dx के जगह पर 1/9 dt, और इस पूरे को टी मारेंगे टी हो जाएगा 1/ में क्या हो गया इसका टी, तो टी का इसका क्यों है तो टी का भी क्यों। ठीक, अब ये देखिए, अब x2 dx को जगह पर क्या लिखेंगे 1/9 dt। ठीक, अभी 1/9 है, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1/9 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1/t³ dt। ठीक, अब इसको हम करेंगे समाकलन तो क्या हो जाएगा 1/9 हो गया, और इस टी को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे अभी। ठीक है ना, जब टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, नीचे प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो टी का घात कितना हो जाएगा -3 dt। ठीक, हमारा आगे हो जाएगा यहाँ से 1/9 t^-3, जैसे तैसे भी लिख दिया, आप करेंगे इसका समाकलन। तो ये करते हैं, 1/9 हो गया, इसका क्या हो जाएगा t^-3+1। ठीक, अब बटे में भी -3+1+1। ठीक है, आगे हो जाएगा क्या, आगे हमारा होगा 1/9 t^ क्या हो जाएगा -3+1-2, अब बटे में भी -3+1-2+3। ओके, और फिर हमारा आगे हो जाएगा 1/9 इन -2 है ना, तो -2 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 9 18 18 हो गया ना, और माइनस है तो -+-, और यहाँ पे हो गया हमारा t^ -2+3। ठीक, अब इस टी को हम नीचे ला देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/8 × 1/t². ठीक, ऊपर माइनस था, नीचे लाएँ तो प्लस हो गया, अब प्लस सी, अब हमारा हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा 1 - 1/8 -1/8 और t² इस साथ में लिख दे। ठीक है, और प्लस सी। ठीक, अब यहाँ पे टी का मान हम रख देंगे बस, तो -1/8 और टी का मान कितना था, टी माने हम लोग इतने को ना, टी माने 2+3x की। ठीक, तो टी के जगह पर रखेंगे 2+3x की रख देंगे। ठीक, आई रखते हैं फिर, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 2+3x³, टी का स्क्वायर है ना तो इसका भी स्क्वायर, अब प्लस सी। ओके, हमारा फाइनल चलो के आंसर बन गया कितना, -1/8 2+3x³ पूरे का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमारा अगला क्वेश्चन दे दिया है कि समाकलन 1/x log x^m करिए dx। ठीक, करते हैं फिर इसका समाकलन इसका करना है। देखिए क्या करेंगे, इस जो log x है ना,
इसको मानेंगे यहाँ पे टी, तो माना लॉग एक्स बराबर टी। ठीक, अब इसका करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का अवकलन एक बटा में एक्स हो जाएगा और बराबर टी का क्या हो जाएगा डी टी बटा में डी एक्स। अब डी एक्स को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, यानी वन बाई एक्स इंटू डी एक्स जगह पर क्या लिखेंगे अब डी टी, तो ये फिर लिखते हैं वन बाई इसका जगह पर क्या मानेंगे, माने थे इसको लॉग एक्स को टी माने हैं ना, तो टी हो जाएगा। और टी के खाते इसका लॉग एक्स का मान लॉग एक्स के खाते में है ना, तो टी जब रख दिया तो टी का भी खाते क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। और वन बाई एक्स इंटू डी एक्स का जगह पर क्या हो गया डी टी। ठीक, देखिए क्या करेंगे कहीं इसमें अब टी को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका घात नीचे प्लस में है ना, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो टी घात माइनस एम डी टी। इसका करेंगे हम समाकलन तो क्या हो जाएगा टी के घात माइनस एम प्लस वन बटा में माइनस एम प्लस वन प्लस सी। ठीक, अब हमारा ये हो जाएगा टी के घात माइनस एम प्लस वन बटा में भी एम प्लस वन और प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे हम बस टी का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। तो टी किसको माने, टी हम लोग माने हैं लॉग एक्स को, तो लॉग एक्स रख देंगे यहाँ पे, तो हो गया लॉग एक्स, लॉग एक्स के पावर कितना माइनस एम प्लस वन और बटा में भी एम प्लस वन माइनस एम प्लस वन प्लस सी। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया दिया एक्स बटा में नौ माइनस फोर एक्स का स्क्वायर, इसका हमें करना है अब समाकलन। ओके, तो ये करते हैं फिर, देखिए इसमें भी क्या करेंगे, नीचे वाले को मानेंगे टी, तो माना नौ माइनस चार एक्स का स्क्वायर बराबर टी, टी मान लीजिए तब करेंगे इसका क्या अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा नौ का तो जीरो, अब चार का क्या हो जाएगा चार, जैसा कहते हैं कॉन्स्टेंट है तो बाहर, एक्स एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स होता है ना, हो जाएगा इंटू टू एक्स बराबर टी का क्या होता है टी का होता है डी टी बटा में डी एक्स। ठीक, ये जब गुणा कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा माइनस आठ एक्स बराबर डी टी बटा में डी एक्स। ओके, अब ये देखिए एक्स इंटू टी एक्स का मान निकालना है ना, यानी यहाँ से हमें माइनस आठ हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं फिर इसको डी एक्स को इधर इस साइड ला देंगे। ठीक है, तो ये करते हैं फिर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स इंटू डी एक्स, और जब माइनस सेट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक बटा में आठ और डी टी। ठीक, अब यहाँ पे एक्स इंटू डी एक्स इन दोनों की जगह पर क्या लिखेंगे आप माइनस एक बटा में आठ डी टी। ठीक है, तो ये फिर लिखते हैं, तो क्या हमारा यहाँ पे एक बटा में इसका जगह पर तो पूरा टी हो गया। ठीक, और डी टी एक्स इंटू डी एक्स के जगह पर क्या होगा माइनस एक बटा में आठ इंटू डी टी, तो हो गया माइनस एक बटा में आठ डी टी। ठीक, और ये देखिए माइनस एक बटा आठ जो है कि कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस एक बटा में आठ क्या हुआ बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच केवल बच अंदर बचा एक बटा में टी और डी टी। ठीक, अब इसका समाकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस एक बटा में आठ जैसे कहते हैं, और ये लॉग टी हो जाएगा ना, तो हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। इसका समाकलन होता है वन बाई टी का समाकलन होता है लॉग टी। ठीक है, अब यहाँ पे टी का मान पास हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक बटा में आठ लॉग टी। टी हम लोग किसको माने थे, टी माने हम लोग नौ माइनस चार एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे रख देंगे नौ माइनस चार एक्स स्क्वायर। ठीक, अब प्लस सी हो गया आंसर। अब करते हैं ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, तब का 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया है कि समाकलन ई के पावर टू एक्स प्लस तीन का कीजिए डी एक्स। ओके, तो इसमें क्या करेंगे ना, हम ऊपर वाले इसमें टी मानेंगे। ठीक, तो ये मानते हैं फिर इसमें भी, माना टू एक्स प्लस तीन बराबर टी। ठीक है, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो टू हो जाएगा क्योंकि दो कॉन्स्टेंट है तो दो बाहर आ जाएगा, और एक्स का अवकलन वन होता है तो क्या हो जाएगा टू, और तीन का तो जीरो तो खत्म, और टी का हो जाएगा डी टी बटा में डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम डी एक्स का मान निकाल लेते हैं, आइए, तो डी एक्स बराबर हो गया क्या टू डी एक्स, डी एक्स की तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा ना टू डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ से डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर एक बट्टा में दो डी टी। ठीक, तो डी एक्स जगह पर हम इतना रख देंगे, डी एक्स जगह पर वन बाई टू डी टी। ठीक है, तो ये फिर रखते हैं हम, तो रखते हैं तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा समाकलन,
ई, इस पूरे को टी माने है ना, तो टी हो गया। और डी एक्स के जगह पर क्या होगा, डी एक्स के जगह पे वन बाई टू, वन बाई टू डी टी। ठीक, अब वन बाई टी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो वन बाई टी, वन बाई टू बाहर आ गया कांस्टेंट है तो, अंदर बचा ई के पावर टी और डी टी। और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ई के पावर टी का समाकलन होता है ई के पावर टी ही हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाई टू इंटू इसका हो गया ई के पावर टी प्लस सी। ठीक, अब यहाँ पे टी का मान रख देंगे हम, तो वन बाई टू ई के पावर टी का मान क्या है, टी हम लोग माने थे किसको, नो टी माने टू प्लस थ्री को टी माने है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ई के पावर हो जाएगा टू एक्स प्लस तीन और प्लस सी। ठीक है, हो गया आंसर। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपका 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक्स बटा में ई के पावर एक्स स्क्वायर और डी एक्स, हमें इसका करना है अब समाकलन। ठीक, तो ये फिर करते हैं, इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर को हम मानेंगे टी। ठीक, तो ये फिर मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स होता है। ठीक, और टी का क्या होता है, टी का होता है डी टी बटा में डी एक्स। ओके, तो यहाँ सामने हमें निकालना है एक्स इंटू डी एक्स का मानना, तो डी एक्स को इस साइड करेंगे और दो का दो को उस साइड। ठीक, तो करते हैं फिर एक्स इंटू डी एक्स, और दो यहाँ पर गुणा में, तो गुणा में है ना, तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या जाएगा, बटा में, तो वन बाई टू डी टी। ठीक, यानी एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर रखेंगे वन बाई टू डी टी। तो ये फिर रखते हैं, यहाँ पर हो गया हमारा वन बाई ई, एक्स स्क्वायर को क्या माने, टी माने, तो टी हो गया। अब एक्स इंटू डी एक्स का जगह पे क्या आ गया, वन बाई टू, वन बाई टू डी टी। ठीक, अब यहाँ से वन बाई टू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो वन बाई टू बाहर गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा ई के पावर टी, वन बाई ई के पावर टी या डी टी। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे ना, इस टी को हम ऊपर भेज देंगे, जब ई के पावर टी को ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा, इसका घात माइनस में हो जाएगा, फिर हो जाएगा वन बाई टू ई के पावर माइनस टी इंटू डी टी। ठीक, ओके, अब इसका हम कर देंगे समाकलन, तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू ई के पावर एक्स है ना, तो इसका समाकलन ये हो जाएगा, इसका समाकलन होगा क्या, ई के पावर माइनस टी प्लस सी। यहाँ पर हम टी का बस मान रख देंगे, तो हो जाएगा, हो गया आंसर हमारा वन बाई टू ई माइनस टी, किसको माने, टी हम लोग माने एक्स स्क्वायर को ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये सी जो घात में नहीं है, प्लस सी ऐसे ही कॉन्स्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हो गया वन बाई टू और ई के पावर एक्स स्क्वायर है ना, इसको नीचे लगाना, तो क्या हो जाएगा, इसका घात प्लस में हो जाएगा। ठीक है, नीचे ला देते हैं फिर इसको हम, तो नीचे लगाना, तो हो जाएगा वन बाई ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, अब फाइनल चल के हमारा आंसर आ गया वन बाई टू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, आंसर।